तो आज माधुरी दीक्षित अपना 22वां मैरिज एनिवर्सरी मना रही हैं आपको बता दें कि श्री राम नेने जो पेशे से एक डॉक्टर हैं उनके साथ माधुरी दीक्षित ने शादी की थी माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड में हर कोई जानता है भारत में हर कोई जानता है और हर कोई चाहता था कि माधुरी दीक्षित की फिल्म के काम करने का मौका मिल जाए उनके साथ एक्टिंग uh, करने का मौका मिल जाए और जहाँ तक बात है उनके यूथ uh, की तो उस समय कई सारे स्टार्स उनके उनसे रिलेशन्स uh, में रहना चाहते थे उनसे शादी तक करना चाहते थे लेकिन उन सारी चीज़ों को हटा के माधुरी दीक्षित ने फाइनली एक न्यूयॉर्क के डॉक्टर को चुना जिनका नाम श्री नाम नेने है और इनसे जो मुलाकात रही इनकी पहली वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो माधुरी दीक्षित बताती हैं कि जब पहली बार उनकी मुलाकात उनके अब के हस्बैंड से हुई थी तो वो उन्हें जानते ही नहीं थे उनको पता ही नहीं था कि माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और पूरा देश उन्हें कितना प्यार करता है माधुरी खुद बताती हैं कि उनके भाई की कोई पार्टी थी जहाँ पे श्री राम नैने भी आए हुए थे और जब इनकी मुलाकात हुई बातचीत हुई तो इनको आपस में काफ़ी अच्छा लगा लेकिन उस दौरान श्री राम नैने को ये नहीं पता था कि माधुरी दीक्षित इतनी बड़ी स्टार हैं और इतना बड़ा उनका रुतबा है श्री राम नैने ने उनको बाइक राइड के लिए पूछा कि आप माउंटेन बाइक पर चलना चाहेंगे तो माधुरी दीक्षित ने भी हाँ कर दी उन्होंने कहा चलो माउंटेंस हैं पहाड़ हैं बाइक है तो चलिए करते हैं मज़ा आएगा और यहीं से उनकी शुरुआत हुई प्यार की और यहीं वो पहला पल था जहाँ पे ये एक दूसरे के और करीब आ सके इस मोमेंट को याद करते हुए माधुरी दीक्षित बताती हैं कि मुझे तो पहले लगा कि बहुत मज़ा आएगा माउंटेन बाइक करने में और बहुत फ़न होगा लेकिन ये वाकई में इतना आसान नहीं था और काफ़ी इनको मशक्कत करनी पड़ी इनफैक्ट ये बाइक से गिरती गिरती भी बची हैं तब श्रीराम राम लेने ने इनकी बहुत मदद की इनकी कहीं ना कहीं जान बचाई थी और यही वो शायद मोमेंट था जब इनको एक दूसरे से प्यार हुआ आज बाईस साल इनकी शादी को हो चुके हैं और इनकी शादी काफ़ी स्ट्रॉग चल रही है इनके दो बच्चे भी हैं और इनकी फैमिली कम्प्लीट है